कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, हाउसवाइफ्स अगर स्टाइलिश दिखना चाहती है तो आपको किन बातों को फॉलो करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ हाउसवाइफ के लिए नहीं है, अगर आप वर्किंग वूमन हो तो भी आप इन टिप्स को फॉलो कर सकती हो। बहुत ही सिंपल सी टिप्स है। मैं कोई चांद पर जाने वाली बातें नहीं करूँगी, कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जो आपको लगेगा कि यार ये तो रियल है ही नहीं। मैं सारी रियल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, कोई ना कोई टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी। सबसे पहली चीज़, मुझे लगता है लड़कियाँ यार अपने पे टाइम ही इन्वेस्ट नहीं करती शादी के बाद की। हाँ, ना तो हेयर कट करवाना है, ना आईब्रोज बनवानी है, ना वैक्सिंग करवानी है, क्या करना है ये सब करा के। किसी की शादी होगी तो करवा लेंगे, कोई 30,000 थोड़ा ना आ रहा है कि मैं आईब्रो बनवा लूँ। आपके साथ भी यही होता है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए, आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी 2-3 साल हो चुके हैं पार्लर गए हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पे टाइम नहीं देती हूँ। मैं अपने बॉडी हेयर रिमूव खुद से कर लेती हूँ, फेशियल हेयर रिमूव कर लेती हूँ, आईब्रोज को खुद से कर लेती हूँ, तो ये आप भी कर सकते हो। पार्लर जाके 3,000-4,000 रुपये खर्च करने का जिगरा मेरा भी नहीं है, मैं नहीं करवाती हूँ फेशियल वगैरह। तो मैं क्या करती हूँ, मैं घर पर खुद से फेशियल कर लेती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो और आपके खूब सारे पैसे भी बच जाएंगे। हेयर कट करना, फेशियल हेयर रिमूव करना, बॉडी हेयर रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आदमी लोग घर पर भी होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी दाढ़ी को इतना बड़ा कर लेते हैं। वो कराते हैं ना, अपना हेयर कट टाइम टू टाइम करवाते हैं, अपनी शेविंग टाइम टू टाइम करवाते हैं, तो आप क्यों नहीं करवा रहे हो? बिल्कुल करवाइए, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को यहाँ पहुँचा सकता है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आप अपने पे टाइम इन्वेस्ट ज़रूर करें। दूसरी चीज़, मैंने कई हाउसवाइफ देखी हैं ऐसी जो ये बोलती हैं, हमें पूरा दिन तो घर में ही रहना है, क्या करना है कपड़े चेंज करके। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक वो नाइटी में ही घूमती रहती हैं। भाई, सबसे पहले तो आपकी वो नाइटी को फेंको और मैक्सी ड्रेसेस पे इन्वेस्ट करो। ये मैक्सी ड्रेसेस जो होती हैं ना, ये बड़ी ही अच्छी मुझे लगती हैं। कम्फर्ट इसमें नाइटी वाला ही होता है, बट लुक इनकी बहुत अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे कोई एकदम से आपके घर आ जाए तो आपको भी अजीब ना लगे, या फिर कोई सडनली डोर पे आ गया है कोरियर वगैरह, तो आपको दुपट्टा उपट्टा ढूंढने की टेंशन नहीं होती। आप मैक्सी ड्रेस आपने जो ब्यूटीफुल सा पहन रखा है उसी में ही आप जा सकते हो, आप प्रेजेंटेबल लगते हो बेसिकली। तो अपनी नाइटीज को स्विच करो, या तो नाइट सूट के साथ या फिर मैक्सी ड्रेसेस के साथ। अच्छा, हाँ, कई औरतें अब बोलेंगी यार हमारी तो बेबी हुई है अभी, हमारा तो बेबी हुआ है अभी, तो हमें तो फीड करवाना होता है, तो हमें नाइटी ही पहननी पड़ती है। तो ऐसी लेडीज़ जो है, उन्हें सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा सा मूवमेंट चल रहा है अभी, जो कि बहुत स्पेशल होता है। मेरी लाइफ के ये दो मूवमेंट बहुत ही स्पेशल थे, जब मेरी दिशा और शिवांश हुए। बट हाँ, उस टाइम पे क्योंकि मेरे बच्चे अब बहुत बड़े हो चुके हैं, तो उस टाइम पे तो मैक्सी के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। बट आज मैं आपको देना चाहती हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन, वो होता है फीडिंग ड्रेसेस का। जी हाँ, अमेजोन पे या फिर कई जो ब्रांड्स हैं ना, क्लोविया, शाई अवे, इन सब पे आपको फीडिंग ड्रेसेस मिल जाएंगी। मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ कई फीडिंग ड्रेसेस जो मेरे पास रिव्यू के लिए आते हैं ना, उनमें से। एक्चुअली वो कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे फ्रिल्स लगे होते हैं और उसके साइड में फ्रिल्स के अंदर छुपी होती हैं जिप। तो उससे क्या होता है, आपको जब भी बेबी को फीड करवाना, आप जिप खोलिए और यूज़ कर सकते हो। बट वो जिप आपको पता है कहाँ छुपी है, जिसने ड्रेस बनाई है उसे पता है कि उसने कहाँ लगाई है, इसके अलावा किसी देखने वाले को वो जिप नहीं दिखती है। नाइटी बहुत ही अलग सी फील होती है, फिर दुपट्टा ढूंढते रहो बेबी को फीड करवाने के लिए। बट ये मैक्सी ड्रेसेस जो होती है ना, ये बहुत ही स्टाइलिश लुक भी देती है आपको, कंफर्टेबल ये पूरी होती है और बच्चे को फीड कराना बहुत आसान हो जाता है। तो मैक्सी ड्रेसेस में या फिर आप फीडिंग ड्रेसेस में इन्वेस्ट करो, अगर आप रोज़ के रोज़ नाइटी में ही घूमते रहते हो तो। अच्छा, मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि कई लेडीज़ जो होती है ना, वो क्या करती है, उन्हें जब जो चीज़ हाथ लग गई वो पहन लेती है। सूट अलग, सलवार अलग, दुपट्टा अलग, ऐसा मत कीजिए। इसका सबसे सही तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे साथ भी ये बहुत होता है। जब मैं जल्दी में होती हूँ, मुझे कोई चीज़ टाइम पर नहीं मिलती, तो अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, मैंने ऐसे हैंगर्स परचेज कर लिए जिसमें मैं एक साथ 3 या 5 कपड़े टांग सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सूट, दुपट्टा, सलवार और उसके साथ जो भी आपका बैग वैग है, सब एक साथ रख दो। इससे क्या होगा, जैसे मान लो आप ऑफिस भी जाते हो, तो आपको ये सुबह के टाइम भसड़ नहीं रहेगी कि यार मेरा सूट मिल रहा तो पजामा नहीं मिल रहा, पजामा मिल रहा तो दुपट्टा नहीं मिल रहा, और फिर हम फाइनली क्या करते हैं, हम जीन्स पहन के भाग जाते हैं। तो ऐसा करने की आपको टेंशन नहीं होगी। या फिर हम क्या करते हैं, सूट अलग ले लिया, दुपट्टा अलग ले लिया, चुन्नी अलग ले ली और पजामा अलग पहन लिया और चल दिए, क्योंकि हमें बहुत जल्दी हो रहा है। तो ऐसा नहीं होगा अगर आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। या फिर एक तरीका जो मैं अपने जब भी बेड में कपड़े रखती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, सूट और सलवार को तय करती हूँ और दुपट्टे में रैप करके रखती हूँ। तो क्या होता है, वो एक सेट बन जाता है। तो जैसे ही मैं दुपट्टा उठाती हूँ, उसके अंदर मुझे सलवार और सूट दोनों चीज़ मिल जाती है।
तो इस तरीके से आप अरेंज करके रखिए ताकि जब भी आप जल्दी में हो ना तो कोई भी अलग 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 चीज़ें आपको ना पहननी पड़े और एक साथ सब कुछ मिल जाए। एक चीज़ जो मैं आपसे और बोलना चाहती हूँ कि बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए। देखिए, एक्सेप्ट कीजिए अगर आप थोड़े से मोटे हो तो। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ शो करना कि मैं मोटी हूँ पर फिर भी मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी जिसमें दुनिया मुझे घूर के देखे और मैं सबको समझाती रहूँ मेरी बॉडी है मैं कुछ भी पहनूँ। ऐसा मत कीजिए। देखिए क्या होता है ना, बहुत अनकंफर्टेबल आपको 10 लोग करवा सकते हैं जब वो आपको घूर घूर के देखते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको पता है कि आप थोड़े से हेल्दी हो और अगर आपको ये लग रहा है कि बस मैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं पहन सकती हूँ इसलिए मैं पहनूंगी, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे वो लोग घूर के जब आप हमें देखते हैं तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है और हम सबसे जाके लड़ भी नहीं सकते और अपना ही मूड ख़राब कर लेते हैं। तो कितना अच्छा होना कि मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनूं जिसमें मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूं। तो कपड़े हमेशा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पहनिए। अगर आपका ब्रेस्ट एरिया थोड़ा सा हैवी है तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऊपर तक कवर कॉलर वाले कुर्ती वगैरह ना पहनिए, इससे आपका अपर पोर्शन और ज़्यादा हैवी लग सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका टमी एरिया बहुत ज़्यादा है, बंचेस बने हुए हैं, तो एक सॉलिड कलर की, जैसे मान लो एक ग्रीन कलर का प्लेन कुर्ता मत पहने, इससे आपके टमी के जो बंचेस हैं वो और ज़्यादा विजिबल होंगे। अगर आपके बॉडी पे बंचेस हैं, आपको लगता है कि यार आपका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बल्की है, तो हमेशा छोटे छोटे प्रिंट वाले कपड़े पहनिए, इससे आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी। और ब्लैक कलर को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, इसमें हम पतले दिखते हैं। और हाँ, एक टाइप का सूट आता है जिसमें फ्रंट में पैनल होता है और साइड में अलग कलर होता है, उसमें भी हम पतले दिखते हैं। तो बहुत चौड़े चौड़े पैनल वाले मत खरीदिएगा, जिसमें जैसे होता है ना इतना पैनल है सीधे स्ट्रेट, उस तरीके के आप पहन सकते हो। उससे आपका ये जो साइड फैट है ना वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कम है। तो आप इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के अपने लिए कपड़े चूज़ कर सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल तो आप हो ही, और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकते हो। तो ये थी मेरी कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें मैं फॉलो ज़रूर करती हूँ। मैं आज की डेट में यूट्यूबर हूँ, नहीं भी होती तो भी मैं इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करती और करती हूँ आज भी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कोई और स्पेशल टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। ओके, बाय।